लेकिन यहाँ से पोस्टमार्टम के जाने के बाद कुछ लोगों में ये वातावरण फैला गाँव में कि नहीं वो लड़का जो गफ्फार था वो फांसी लगा के मरा था। फांसी लगाने के बाद उसका भाई और बाप फांसी से उतार करके उसको ला के नीचे रखा और उसका फांसी के बदले में वो करंट लगाने का रूप मतलब जो दिया वो अब करंट लगा के छोड़ा और जितने गांव के लोग वहाँ जाने लगे और लाइन के करंट की चपेट में आने लगे ये पता चला हम लोगों को। तो मट्टी मंजिल करने के बाद हम लोगों ने जमा होकर के तस्दीक किया, पूछताछ किया तो बाप बेटा ने कबूल किया कि मैंने ऐसा किया। तो वो उस लाश को छूने से पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा देखा गया कि इनका गला एक गफ्फार अंसारी के गला में किसी चीज से कटने का निशान बना हुआ है। पोस्टमार्टम के पश्चात दोनों लाशों को भेजा गया और जांच के क्रम में ग्रामीणों ने पता लगाया और ये बात को सूचना दी कि अपना करंट लगाने की साजिश रची गई है, लेकिन गफ्फार अंसारी की मृत्यु उनके पिता और उनके भाई गफ्फार अंसारी के द्वारा हत्या कर फांसी लगा हत्या कर फांसी से रस्सी काट कर उतार कर नीचे उसमें बिजली के तार का करंट सटाया गया और हल्ला किया गया कि करंट लग गया। जिस हल्ला पर काफी ग्रामीण जुट गए उसमें से निसार अहमद भी देखने गया था, उसके भी करंट लगने से मृत्यु हो गई और एक बच्ची बबीता कुमारी जो है वो भी जख्मी हो गई। एक और व्यक्ति हैं उनका भी करंट लगने से जख्मी हुए हैं। मामला छानबीन।